दोस्तों, आपने कवच टेक्नोलॉजी का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसका इस्तेमाल फिलहाल इंडियन रेलवे नेटवर्क में किया जा रहा है। बेसिकली कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ट्रेनों में ऑटोमेटिकली ब्रेक को लगाया जा सकता है, और इसी कारण कवच टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसी भी ट्रेन को टकराने से रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कवच टेक्नोलॉजी को लेकर एक सवाल बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है कि क्या कवच टेक्नोलॉजी 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर भी काम कर पाएगी या नहीं। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है, पर दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि जो कवच टेक्नोलॉजी है उसको केवल 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर ही टेस्ट किया गया है। तो सवाल यह होता है कि क्या कवच टेक्नोलॉजी वंदे भारत ट्रेन में काम कर पाएगी या नहीं। इसका जवाब ढूंढने के लिए दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा एक टेस्ट को कंडक्ट करवाया गया, जहां पर इंडियन रेलवे के द्वारा एक ट्रेन के इंजन में कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। उसके बाद इस ट्रेन के इंजन को 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाकर टेस्ट किया गया, और ऐसा बताया गया कि 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के बावजूद भी कवच टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेटिकली इस ट्रेन के इंजन में ब्रेक को लगा दिया गया। यानी कि ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा, और मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट को 30 दिसंबर के दिन मथुरा और पलवल के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। तो जैसा कि हमने देखा कि 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर ये कवच टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया तरीके से काम करती है, लेकिन सवाल यह होता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर भी काम कर पाएगी या नहीं, क्योंकि काफी लोगों का ये डाउट है कि स्पीड ज्यादा होने के कारण शायद कवच टेक्नोलॉजी पूरी तरह से काम ना कर पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कवच टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, जो कि ना सिर्फ 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार बल्कि 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी ज्यादा पर भी काम आसानी से कर सकती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि काफी जल्दी इंडियन रेलवे के द्वारा 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर ट्रेन को चलाकर कवच को टेस्ट किया जाएगा। और अगर बात करें कवच टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि करंटली कवच टेक्नोलॉजी को टोटल 1465 किलोमीटर लंबे रूट पर इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके अलावा कवच टेक्नोलॉजी को 139 लोकोमोटिव में भी इंस्टॉल कर दिया गया है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।